हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू प्रैक्टिस एक्सरसाइज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव फॉर्म्स। नंबर वन, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अगर आपने इस सेंटेंस को नेगेटिव फॉर्म में चेंज करना होगा और इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन फॉर्म में चेंज करना होगा तो आप कैसे करेंगे? नेगेटिव फॉर्म होगी इसकी, इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, और इंट्रोगेटिव इसकी होगी, हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। देखिए यहाँ पर आपने इसको किस तरह से करना है ये अभी मैं आपको बताऊँगी कि नेगेटिव आप किस तरह से बनाएंगे और इंट्रोगेटिव मैं आपको नेक्स्ट सेंटेंस में बताऊँगी। तो ये वीडियो आप अच्छी तरह से ध्यान से एंड तक देखना ज़रूर। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, देखिए आपने अगर आप इसको चेंज करना है नेगेटिव में तो आप कैसे करेंगे? हैज़ और बीन के बीच में आपने नॉट लगा देना है, ठीक है? हैज़ और बीन के बीच में आपने नॉट लगाना है, इसके सेंटर में नॉट आता है, इसके आपने ध्यान रखना है। तो इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। नंबर टू, दे हैव बीन वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट सिंस यस्टरडे। देखिए ये एक पॉजिटिव यानी कि एफर्मेटिव सेंटेंस है, तो आपने इसको कैसे चेंज करना है नेगेटिव में? दे हैव नॉट बीन वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट सिंस यस्टरडे। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि हैव या हैज़ जो भी होता है और बीन, इन दोनों के बीच में नॉट लगाना है। और इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? हैव दे बीन वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट सिंस यस्टरडे, और उसके बाद देखिए क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है। तो आपने इसको कैसे करना है अभी मैं आपको बता रही हूँ, इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करना है। दे हैव बीन वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट सिंस यस्टरडे, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। तो आपने इसको कैसे चेंज करना है इंट्रोगेटिव में? आपने सबसे पहले हैव जो है वो यहाँ से हटा देना है और उसको स्टार्टिंग में लेकर लिखना है आपने, ठीक है? तो यहाँ पर स्टार्टिंग में हैव आ जाएगा। हैव दे बीन वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट सिंस यस्टरडे, और उसके बाद आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि दे जो आप लिख रहे हो उसका टी जो है वो स्मॉल आएगा, ओके? नंबर थ्री, दिस कंपनी हैज़ बीन सेलिंग इट्स प्रोडक्ट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इसको आप किस तरह से नेगेटिव में चेंज करेंगे? ये बहुत ही इजी हो गया होगा मेरे ख्याल से आपके लिए। अब देखिए कैसे चेंज करेंगे, दिस कंपनी हैज़ नॉट बीन सेलिंग इट्स प्रोडक्ट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये उसकी नेगेटिव फॉर्म है, ठीक है? बहुत इजी होता है, हैज़ और बीन के बीच में आपने नॉट लगा देना है बस। और इसको आप इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करेंगे? हैज़ को आपने स्टार्टिंग में ले आना है। हैज़ दिस कंपनी बीन सेलिंग इट्स प्रोडक्ट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड डोंट फॉरगेट टू पुट अ क्वेश्चन मार्क इन द एंड। क्वेश्चन मार्क भी ज़रूर लगाना है आपने। तो अब आपके लिए क्वेश्चन है, कन्वर्ट इनटू नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव फॉर्म्स। अभी मैं आपको एक पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस दिखा रही हूँ जिसको आपने चेंज करना है। यू हैव बीन लिसनिंग टू म्यूज़िक फॉर द लास्ट 30 मिनट्स। इसकी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म आपने सोचनी है कि क्या होगी, और उसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडेज़ लेसन। आपको ये लेसन यूज़फुल लगा? अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवन डन इट येट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।